वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम और कुछ बेहतरीन इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे इन वोकैबुलरी में। तो जैसे टॉप 10 वोकैबुलरी यहाँ पे आज मैं लिखा हूँ। सबसे पहला है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ फर्टिल, फर्टाइल, फर्टाइल एंड या उपजाऊ। तो प्रोलिफिक से आपको याद रखना है पूरी लाइफ, हमारी पूरी लाइफ उपजाऊ है, हम अपने पूरी लाइफ में प्रोलिफिक से आपको रखना है पूरी लाइफ, पूरी लाइफ। तो पूरी लाइफ हमारी क्या है? हमारी पूरी लाइफ है जो है वो उपजाऊ है, हम अपने लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिविटी की काम कर सकते हैं। तो पूरी पूरी लाइफ से आपको याद रखना प्रोलिफिक, यानी प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। दूसरा मैं देखिए पेंजेंट, पेंजेंट यानी कि होता है फ्रेंड से इंटरेस्ट, आपकी कोई चीज में रुचि हो तो उसे आप पेंजेंट कह सकते हैं। तो पेंजेंट का जो साइनोनिम से वो है इंटरेस्ट, फॉन्डनेस। तो पेंजेंट से आपको याद करना फ्रेंड्स पंचांग, पंचांग आपको याद रखना है। तो पंचांग देखने, हर व्यक्ति को पंचांग देखने की इंटरेस्ट होती है, पंचांग में अपने राशिफल देखने की इंटरेस्ट होती है। तो पेंजेंट से आपको याद रखना है पंचांग। तो पंचांग का मतलब क्या है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होती है। तो पेंजेंट का जो मीनिंग है वो इंटरेस्ट है। तीसरे नंबर पे देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा यूफोनिक। यूफोनिक इसका जो हिंदी में जो मीनिंग से वो है मधुर। यूफोनिक हिंदी मीनिंग से मधुर, मेलिफ्लुअस एंड ड्यूलसेट। यूफोनिक अब किसी को कहेंगे फ्रेंड्स कि तुम्हारे ईयरफोन से, ईयर से ईयरफोन, ईयरफोन से तुम्हारे ईयरफोन से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है, बहुत मधुर गीत निकलती है। तो ईयरफोन से आपको याद रखना ईफोनिक, और ईफोनिक का जो मीनिंग है वह है मधुर, यानी मेलिफ्लुअस एंड ड्यूलसेट। फिर देखिए फ्रेंड्स न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है संकट। न्यूसेंस, न्यूसेंस का जो ये सिनोनिम से वो ट्रबल, प्रॉब्लम। न्यूसेंस से आपको याद रखना है नॉनसेंस, नॉनसेंस व्यक्ति, जो व्यक्ति नॉनसेंस रहते, जिनके पास दिमाग नहीं रहता, नॉनसेंस व्यक्ति संकट का कारण बनते हैं, प्रॉब्लम के कारण बनते हैं। तो न्यूसेंस आपको याद रखना है नॉनसेंस, और नॉनसेंस व्यक्ति संकट के कारण बनते हैं। यानी फ्रेंड्स नॉनसेंस का, न्यूसेंस का जो मीनिंग है वो है संकट, ट्रबल और प्रॉब्लम। उसी तरह फ्रेंड्स से ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक्यू का जो मतलब है वो आलोचना। ऑब्लिक्यू से याद रखना फ्रेंड्स अब लोग, अब लोग, ऑब्लिक्यू मीन्स अब लोग, अब लोग, अब लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? अब लोग किसी के भी कहीं पर भी आलोचना कर देते हैं। अब पॉलिटिक्स में भी देखिए किसी की भी आलोचना हो जाती है। तो अब ऑब्लिक्यू से आपको याद रखना है अब लोग, अब लोग से आपको याद रखना है ऑब्लिक्यू। और ऑब्लिक्यू का जो मीनिंग से वो है क्रिटिसिज्म, रिप्रोच, हिंदी में से कहेंगे आलोचना। इसी तरह फ्रेंड्स देखिए राम शेकल, राम शेकल देख सकते हैं फ्रेंड्स, राम साइकिल, यानी राम से आपको याद रखना एक नाम है और साइकिल से आपको याद रखना साइकिल। तो जो राम की जो साइकिल है वो क्या है? घिसी पिटी कंडीशन में, घिसी पिटी कंडीशन में है। तो रेम साइकिल का मीनिंग होता है घिसा पिटा, यानी कि रिक्टी, रिक्टी और डिसरिप्ट, डिसरिप्ट और रिकेटी, इसका साइनोनिम से रेम साइकिल का हिंदी होता है घिसा पिटा। और जो राम की साइकिल है आपको याद रखना है फ्रेंड्स वो है घिसी पिटी कंडीशन में। तो आपको साइकिल ये सब कीवर्ड, तो साइकिल से आपको याद रखना है घिसी पिटी। फेलिसिटी फ्रेंड्स, फेलिसिटी यहाँ पे आप देखें, फेलिसिटी जो है वो प्रसन्नता, इसका सिनोनिम से हैप्पीनेस एंड रैप्चर। तो फेलिसिटी से आपको याद रखना है फेलिसिटी, फेलिसिटी, राइट, फेलिसिटी। तो फेलिसिटी देख के हमें बहुत प्रसन्नता होती है, हमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है तो आपको खुशी मिलेगी। तो फेलिसिटी से आपको प्रसन्नता होती है, यानी फेलिसिटी का मतलब होता है प्रसन्नता, रैप्चर, हैप्पीनेस। उसी तरह आठवें नंबर पे इम्ब्रेस, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, यानी कि किसी को गले लगाना।
इसका जो साइनोन से वह है यूब एंड ग्रेव। यानी फ्रेंड्स देखिए, मैंने रेस में प्रथम पोजीशन, प्रथम स्थान रखी, तो मैंने मुझे लोगों ने गले लगाया। तो इम्ब्रेस से आपको याद रखना है यूग या गले लगाना, हग या गले लगाना, हग ग्रैब या गले लगाना आपको याद रखना है इम्ब्रेस से, क्योंकि रेस में मैंने फर्स्ट पोजीशन लाई, ठीक है। तो मुझे लोगों ने क्या किया, गले लगाया। अब देखो फ्रेंड्स, वैग्यू, वैग्यू मीन्स होता है फ्रेंड्स अस्पष्ट। इसका सर्वनाम से एम्बिगुअस एंड डार्क, एम्बिगुअस एंड डार्क, इसका सर्वनाम से एम्बिगुअस एंड डार्क वैग्यू मींस आपको याद रखना वेग। क्या हुआ फ्रेंड्स, वेग की जोरदार वेग से, बहुत सारे जोरदार वेग हुए और जिसके कारण बहुत सारे तूफानी वेग चले और जिसके कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देने लगा, सब अस्पष्ट हो गया। तो आपको याद रखना है वेग से, वैग्यू से अस्पष्ट, एम्बिगुअस एंड डार्क। उसी तरह देखिए दसवें नंबर पे रेवनियस, रेवनियस लालची होता है, इसका मीनिंग होता है रेवनियस का लालची, और कॉपिटियस ग्रीडी। तो रेवनियस आपको याद रखना है रावण, रावण रेव से आपको याद रखना है रावण। तो रावण कैसा था फ्रेंड्स, रेवन से आपको याद रखना है रावण। तो रावण कैसा था, रावण बहुत ही लालची किस्म का था राजा। तो रेवन से आपको याद रखना रेवनियस से रावण, और रेवनियस का जो मीनिंग्स होता है वो होता है लालची, कॉवेटियस एंड ग्रेडीज का सिनोनिम से। तो फ्रेंड्स ये आपको ट्रिक्स आज का समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आई होप आप इसे समझने में आसानी से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इसी तरह हमारे चैनल में आप बने रहे फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।